तो दोस्तों मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी, पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो। चलो मैं बताती हूँ। पर तो हम लोगों को तो मत ही बोलो यार कि मतलब। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस यार अभी मैंने कपड़े कुपड़े धो के सुबह ना आई, फिर अभी कपड़े डालने आ रखी थी छत में, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग बोल दो। वहाँ पे डाल देती हूँ इसमें। आज किसी के कपड़े नहीं है छत में। क्यों? हमारा जिम्मू। ओ जिम्मू, अ जिम्मू, कहीं शोर रखा भाई जिम्मू, कौन शोर रखा? बट अभी मैं तैयार होके जाती हूँ यार, वही रूटीन जो होता है बेबी को लेने का। और आज स्कूटी लेके ये जा रखे तो मैं पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, धूप भी हो रही है पर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे ना। तो अभी जाती हूँ। अगर इन्होंने बोला कि अभी इनका फ़ोन आया था मुझे, फिर बोला कि अगर मैं लेके नहीं आऊँगी, कोई आ रहे होंगे ना बाहर से, लोग आ रहे शायद उनके स्कूल में, तो इन्होंने बोला कि अगर मैं लेके नहीं आया तो तू आ जाना। तो कह रहे थे कि 12:30 पे मेरे को बता देना। तो अभी टाइम हो रहा है तो अभी बताती हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर चलूँगी, तो फिर आप लोगों से भी रास्ते में बात कर लूँगी थोड़ी सी, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अनन्या को लेने के लिए। स्कूटी आज ये लेके गए ना, तो यहाँ रास्ते में भाई धूप में हालत ख़राब हो रही है। दो दिन में इतनी तेज़ धूप लग गई ना, ओ भाई साहब, पता चल रहा गर्मी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों आज गोपेश्वर का मौसम देख रहे हो, क्या सुहाना मौसम हो रखा है, पर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। मैं आपके कपड़े रख रही हूँ इधर, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं अनन्या लेके आ गई हूँ, और फिर अनन्या को नहला भी दिया यार, क्योंकि गर्म गर्म हो रहा है। इसका जो पुरानी वाली ड्रेस थी ना, वो वाली बिटू, कौन सी वाली थी वो, दूसरी वाली, कौन सी, स्पोर्ट्स वाली, वो? हाँ, तो वो ना इसको छोटी होने लग गई, और फिर आज मैंने उसको विंटर वाला ही ड्रेस पहनाया था, तो इतना मोटा है ना वो। तो सुबह तो सही लग रहा था कि मतलब ठंडा है, क्योंकि स्कूटी में जाते टाइम हवा लगती है, पर आते टाइम इतनी गर्मी लग रही थी यार, मुझे लगा कि मैंने गलत ही पहना दिया उसको। तो अनन्या लेके आ रखी एक पेन इरेजर और एक ये टेप। टेप किस लिए लाए हो? तो दोस्तों अभी स्कूल से आने के बाद ना, खाने में क्या बनाया बेटू, खाने में क्या बनाया? आपके बाल तो पीछे कर लो। तो खाने में बनाया है चौंसा भात, दिखाती हूँ मैं, बन गया होगा। आज गर्म भी हो रहा, पर आज मेरा चौंसा भात खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। मेरा भी मन था चौंसा भात, तभी तो मैंने आपको बोला बेटू चौंसा भात बनाते, तो आपने कहा यस। तो हम दोनों की मर्जी हो गई ना। आपका टिप टॉप इधर हो यार, पहले मैं आपके बाल सही करती। हो गया। तो मैं जा रही हूँ किचन में, दिखाती हूँ आपको चौंसा भात। बन गया हमारा चौंसा भात, बोल गया। देखो मेरा पापा जो इतना कुल्फी ला रखा है, तो खाना पड़ेगा। कितने कुल्फी ला रखे? 3 कुल्फी ला रखे हमने। अब हमें भी खाना पड़ेगा। नहीं है आपके, चिंता मत करो, आपको नहीं दूंगा मैं। छत्तीस प्रकार का तो खा दिया होगा, अब बोल रहे मन नहीं कर रहा। तो ये तो नहीं खा रहे वाल, ये तो अपने को खा के आगे। और यहाँ पे हमारी सुबह की सब्जी है, और यहाँ पे चौंसा भात है, इंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए इंजॉय करने। वैसे चौंसा किसको किसको पसंद है? चौंसा और कढ़ी, दो चीज मेरे को बहुत पसंद है। दाल वाल तो मन नहीं करता यार ज्यादा खाने का ना। तो अभी मेरी सब्जी भी आ गई है, और यहाँ पे चौंसा भात भी आ गया। कहाँ से? मेरे को रुकी थी कि मेरे पापा कब आएंगे, कब चम्मच लाएंगे। आई गॉड, मेरे पापा मुझे चम्मच दिला रहे बहुत। ओ आप इन्हें गंदे, आप ही तो ऐसे कहते हैं कि चाय बना कितनी गंदी है तू। और थैंक यू, थैंक यू, और तू भी बोलता हो थैंक यू भी नहीं बोलते भाई। क्यों बने भाई गॉड, चुप पापा कैसे बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो शाम को थोड़ा घूमने जाएंगे, दोनों के दोनों सो गए इधर। टाइम तो 3 बज रहा है, बाहर का मौसम ऐसा हो रखा, धूप ही धूप लगी हुई है अभी।
दोस्तों आपके साथ भी होता कभी कुछ मतलब ऐसे कुछ करने का मन कर रहा हूँ, अगर तैयार हो के फिर कुछ करने का मन नहीं करता। आज ना मेरा मन कर रहा है यार, बस कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं सोचा थोड़ी मतलब ऐसे ही पहना था मेरा पहले का था, मैं सोच रही थी एक दो रील्स बनाऊँगी पर मेरा भी मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही हूँ यार इतनी वीकनेस क्यों आ रही मुझे, पता नहीं क्यों आ रही यार। पेट देख रहा हूँ मोटी हो गई मैं आजकल, बहुत मट्टी मट्टी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई हमारी शाम की चाय, यार गर्म इतना हो रहा ना पर चाय नहीं छोड़ी जाती यार, पहाड़ी लोग होते ही इतने हैं ना चाय के पीछे तो ऐसे भागते हैं, अगर चाय नहीं मिली ना तो मतलब ऐसा लगता है यार कुछ भी दिन अच्छा नहीं किया नहीं करा। पर ऐसी क्रेवी होती ना बिना चाय पिए कि यार कुछ छूट गया कुछ छूट गया, तो मैंने कहा यार चलो चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है और ये दोनों के दोनों सो रखे हैं, कब से उठा रही मैं इनको पर ये उठ ही नहीं रहे हैं। अभी उठाती हूँ उनको चाय पीने के लिए। किट्टू आपने अपनी खा दी थी ना चोकोबारी आइसक्रीम, तो चोकोबारी तो बोलते हैं आइसक्रीम को। ए भगवान, एक ओनली वन बाइट दे दो। तो दे रही हो, खा ही नहीं रहे। नहीं खा रहे पापा? खा लिया थोड़ी सी। अब पापा वहां से तो मैंने तो थोड़ी सी चखी है ना। तो दोस्तों खाना खाना बनाते हैं यार, टाइम भी 9 बज गया है, तो फिर खाना खाना बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने आजकल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पा रही हूँ, तो लास्ट में वीडियो का एंड करके ही जाऊँगी। और यार जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। नो आई डोंट लाइक दिस चोकोबार। तो दोस्तों मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी, पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो, चलो मैं बताती हूँ। पर बात ये है ना कि लोगों को लगता है आजकल कि पता नहीं YouTube से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यार इतनी गलतफहमी हो गई लोगों को, मतलब सबको यही लग रहा है कि भले पैसे होंगे उसमें पर यार बिना मेहनत का, अगर पैसे कमाना इतना आसान होता ना तो लोग सब और काम धंधा छोड़ के ना सब यूट्यूब ही पे आ जाते और सारी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, मतलब सबको लगता है कि यार इजी है, मतलब कैमरा उठाओ और वीडियो बना दो और बस हो गया। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो देखने वाले को पता नहीं चलता, जब इंसान खुद करता है ना तो तब पता चलता है कि मतलब कितनी मेहनत लगती है। तो मैंने किसी इसके मुँह से सुना था कि मतलब मैं पता नहीं किसी काम से गई थी ठीक है, तो एक पता नहीं यार उनको या तो पता था या ना पता था कि आपकी कितनी सैलरी आती है, 50,000 आती है क्या 1,00,000 आती है। मैंने कहा 1,00,000? मैंने कहा नहीं 1,00,00,000 आती है। इतना बड़ा शौक लगा मुझे, मैंने कहा यार लोगों के माइंड में इतना बहम फैल रहा था कि YouTube से लोग मेरे को लग रहा है कि ना रातों रात पैसा छाप रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को कि इसीलिए लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है यार कि मतलब YouTube पे पहले तो 1,000 सब्सक्राइबर होना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद 1,000 सब्सक्राइब होने के बाद 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना कंप्लीट है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर लंबी प्रोसेस होती है, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है लंबी, मतलब जो प्रोसेस होती होगी तो सारी चीज़ें होती है, ऐसा है वो वेरीफाई है कि नहीं है, तो फिर वो यूट्यूब को चेक करेगा कि इसमें आपने कुछ गलत कंटेंट तो नहीं डाला है, किसी दूसरे की वीडियो तो नहीं डाली है, और मतलब कुछ गलत कॉपीराइट तो नहीं है, कुछ स्ट्राइक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। पर ऐसा लोगों के मन में है यार भाई कि पता नहीं क्या ही बोल सकते, अपनी अपनी सोच है ना। तो बस यही कहना था आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाता। अब यार जब तक कमाते वो लोग होंगे जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे, इतने में होंगे, लाखों में सब्सक्राइब होंगे, वो लोग कमाते होंगे। तो हम लोगों को तो मत ही बोलो यार कि मतलब तुम्हारी सैलरी लाखों में आ रही है, मेरे को तो बड़ा शौक लगा। तो दोस्तों अभी हमारा खाना हो गया है और खाना खा के अब सोने की तैयारी है, और टाइम भी पता 11 बज गया है, खाना खुना बनाते टाइम उतना ही हो जाता हमारा, जितने भी जल्दी करो ना 11 बजे से पहले कभी खाना नहीं होता, हो ही जाता मतलब 10:30 के आसपास खाना होता, फिर वैसे बर्तन वर्तन धोना तो 11 तो बज ही जाती है, और सुबह जल्दी उठना होता तो जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठा जाएगा, नहीं तो सुबह उठा ही नहीं जाता। और आज ना मेरे को भी हल्का सा फीवर आने को हो रहा है यार, क्योंकि गले में अजीब सी खराश हो रही है
और अनन्या को भी हल्का सा फीवर आ गया था दिन में, तो मैंने उसको थोड़ी सी दवाई पिलाई क्योंकि वो स्टेडियम में दौड़ी थी ना, उस दिन हवा हो रही थी तो धूल की वजह से क्या पता उसने एक तो चक्कर भी बहुत लगाए, उसने 10 चक्कर लगाए स्टेडियम के। तो मैंने कहा यार एक ही दिन में फर्स्ट दिन जा रहे हो इतना मत भागो क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी, और बच्चों को कौन समझाए है ना। तो इस वजह से भी उसको भी थोड़ा सा हल्का सा फीवर लग रहा है, पर दवाई पिला दी मैंने, थोड़ी ठीक है अभी। और क्योंकि आजकल ये जो मौसम बदलता है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि कभी धूप लगती है, कभी बारिश आती है, कभी हवा चलती है, तो ऐसे मौसम में ना तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो बस यार 11 बज गई है, सोने की तैयारी करती हूँ, तो इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब तो डेली ब्लॉग आने वाले हैं, जितने भी होंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।